अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस किया था कि जैसे कि 19 मार्च 2024 को कोर्स सिलेक्शन डेट ओपन होनी थी, लेकिन क्या है कि एक दिन बढ़ गया विजुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब जो कोर्स सिलेक्शन जो ओपन होना है वो 20 मार्च 2024 को ओपन होना है। तो स्टूडेंट्स ने जब कोर्स सिलेक्शन विजिट किया था तो वहाँ पर तो कोर्स सिलेक्शन की जो स्कीम है वो ओपन नहीं हुई थी, लेकिन जब ग्रेडेड बुक में विजिट किया तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे इस वाले से कि CGPA जो कैलकुलेटर है उसमें शो हो रहे हैं कुछ कोर्सेज, उन कोर्सेज के सामने डी ग्रेड शो हो रहा है, तो इसका क्या यानी कि सीन है कि किस तरह से ये क्यों शो हो रहे हैं, क्या किस रीजन की वजह से शो हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ग्रेडेड बुक विजिट किया हुआ है, ये जरा पेज ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये ग्रेडेड बुक मैंने विजिट की है तो यहाँ पे आपको शो होगा ग्रेडेड स्टूडेंट ग्रेड बुक, मिड टर्म रिजल्ट फॉल यानी कि 2023, ग्रेडिंग स्कीम, प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर और कॉम DAC। जब मैंने प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये क्या है, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये कोर्सेज हमें शो हो रहे हैं। जैसे कि मैंने जूम इन किया है, मैं इसमें स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो रहे होंगे नीचे सेलेक्ट अ कोर्स टू इंक्लूड इन द टोटल क्रेडिट्स एंड प्रोजेक्ट CGPA, एडजस्टेड द स्कोर ऑफ सेलेक्टेड कोर्स टू सी हाउ योर CGPA चेंजेस। मतलब ये कि आपके जो डी ग्रेड वाले हैं ना कोर्सेज, उन डी ग्रेड वाले कोर्सेज को अगर आप सिलेक्ट करते हैं और अपना CGPA इंप्रूव करना चाहते हैं तो तब आप इन कोर्सेज को सिलेक्ट करके अपना CGPA इंप्रूव करना कर सकते हैं। एक्चुअल में आपका जब लास्ट सेमेस्टर होता है ना तो विजुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर होती है कि किस तरह से आप अपना CGPA को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप डिग्री का जो क्राइटेरिया उसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि जो डिग्री का जो क्राइटेरिया है CGPA का विजुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मिनिमम जो CGPA रिक्वायर्ड है वो 2.0 CGPA रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका CGPA ठीक है, आपका 2 पॉइंट से ऊपर ही जा रहा है CGPA, तो आपको फिर जरूरत नहीं है इन कोर्सेज को इंप्रूव करने की, अदरवाइज आप इन कोर्सेज को सिलेक्ट करके इंप्रूव कर सकते हैं। और ये विजुअल यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये होता है, अदरवाइज जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं मतलब कि जो शुरू से फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के भी जो स्टूडेंट्स चल रहे हैं जिनका स्टडी ड्यूरेशन चल रहा है कम्प्लीटली, तो वो भी कंटिन्यूसली अपना CGPA इंप्रूव कर सकते हैं जिन कोर्सेज में CGPA उनका कम आ रहा है। और ये जो CGPA कैलकुलेटर जो प्रोजेक्ट ग्रेडेड बुक में प्रोजेक्ट कैलकुलेटर में जो ओपन हुआ है, कोर्सेज वगैरह शो हो रहे हैं, ये एक्चुअल में विजुअल यूनिवर्सिटी के जो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड लास्ट या लास्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका यानी कि ये एक ये जो है ना क्राइटेरिया दिया गया है कि अपना CGPA इंप्रूव कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।